नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसीज के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा भी की है। पत्र में राज्यपाल पर लिखा गया है कि चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने का आरोप भी लगाया गया है। कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरार का कारण बन रहे हैं। बलराम पांडे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। बलराम, क्या वजह है कि किस वजह से विपक्ष ने ये चिट्ठी लिखी है? देखिए, जिस तरीके से एक के बाद एक नेताओं के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक विपक्ष के नेता सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं, उसको लेकर के आज 9 विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है और उसने मांग की है कि जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है उसकी वो निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विपक्ष का नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है उसके खिलाफ कोई जांच नहीं होती है और जैसे ही वो नेता विपक्ष का बीजेपी में शामिल नहीं होता है तो उसके खिलाफ सीबीआई ईडी सभी जांच एजेंसियां लगा दी जाती है। पत्र में हेमंत विश्व शर्मा का हवाला देते हुए कहा कि आप देखिए कि जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच की जाती है लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच भी हो जाती है जी। और जो विपक्ष में रहते हैं वो बीजेपी में नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ जांच लगातार की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। हालांकि इस पत्र में जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री है अखिलेश यादव और मौजूदा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग की निंदा की है और कहा कि विपक्ष पर सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करना केंद्र सरकार बंद करे। साथ ही इस पत्र में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी लिखा है, पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद मान भी शामिल है, साथ ही पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो भी शामिल है। इसके अलावा जो बीआरएस के प्रमुख है चंद्रशेखर राव वो भी इस पत्र में अपनी बात को रखते हैं। जेकेएलसी के जो प्रमुख है फारूक अब्दुल्ला उन्होंने भी अपनी बात को रखी है। तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है बिहार के उन्होंने भी इस पत्र में लिखा है। तो कुल 9 विपक्षी नेताओं ने एक संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री को लिखा है और इसमें एक और चिंता जताई है, कहा कि जिस तरीके से राज्य सरकारें अपना काम कर रही है उसमें कहीं ना कहीं जो राज्यपाल है उपराज्यपाल है वो दखल देते हैं, यही वजह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में दूरियां बढ़ रही है। लिहाजा गवर्नर हाउस से जिस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं वो पूरी तरह से निंदनीय है, इस पर भी केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष बिल्कुल बलराम आप हमारे साथ बने रहिए। कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सपा प्रवक्ता। कपीश जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपीश जी, ये जो पत्र लिखा गया है विपक्षी नेताओं के द्वारा, क्या आप भी मान रहे हैं कि वाकई ये दुरुपयोग हो रहा है केंद्रीय एजेंसियों का? इसमें कहीं दो राय है ही नहीं। सीबीआई का दुरुपयोग यूपीए सरकार के समय में भी हुआ और उसकी कड़ी को आगे बढ़ाने का काम इस समय की मोदी सरकार के द्वारा पिछले 8-9 वर्षों से किया जा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है कि कांग्रेस की जगह कुछ जगहों पर किया गया, ये तो सरासर तरीके से इस देश के संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने का काम कर। लेकिन कपिल जी, जब यहाँ पर जांच हो रही है तो सही भी तो साबित हो रहा है, उसको कैसे नकारेंगे? चीज ये है कि जांच सही साबित होना और न्यायालय की प्रक्रिया का आगे बढ़ना ये दूसरी चीजें होती है। क्या माननीय कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया ये दोषी है अब इनको सजा दे दी जाए? नहीं, जमानत काम करेंगे ना। में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वो कोर्ट अपनाता है ताकि सरकार इस पक्ष को ना कह सके आगे चल के कि उसको समय नहीं दिया गया, क्योंकि मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूँ और रोज न्यायालय इन प्रक्रियाओं से दो चार होता हूँ तो मुझे गुमराह नहीं किया जा सकता है जी। लेकिन ये कोर्ट तक तो बात तब पहुंचेगी ना जब यहाँ पर जब एजेंसीज काम कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो जिस वजह से यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है या फिर जो आरोप लग रहे हैं वो धीरे धीरे सत्य भी साबित होते जा रहे हैं, इसी वजह से तो एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, तो कैसे आप इसे नकार रहे हैं?
मुझे सिर्फ इतना बताइए कि सीबीआई के कोर्ट के सीबीआई के द्वारा जिन राजनीतिक मामलों में या भ्रष्टाचार के मामलों में जांच की गई और अन्वेषण करने के बाद आरोप जो है पत्र दिया गया और जो निर्णय आए उनमें कितने प्रतिशत के अंदर दंडात्मक कार्रवाई हुई माननीय न्यायालय के द्वारा, आज तक 0.5% यानी कि 1% भी कन्विक्शन रेट सीबीआई के जांच का राजनीतिक और भ्रष्टाचार के मामले में नहीं रहा। और आपको शायद याद भी नहीं होगा कि किसी में कन्विक्शन इन्होंने करवा पाए हो। ये खाली कहने वाली बात है, चाहे कोर्ट के अंदर आपने देखा, चाहे सूची और त्रिजी के अंदर आपने देखा, चाहे कोल्ड वेट मामले के अंदर आपने देखा, जिस जिस तरीके से इन्होंने आरोप लगाया था क्या वो आरोप साबित कर पाए। और मैं दूसरी चीज कहता हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन रहा है यूपीए सरकार के दौरान ही कि उन्होंने सीबीआई को एक तोता कहा, तो कहा क्या अगर तोता उस समय पिंजरे में था तो क्या आज अवमुक्त हो गया, और क्या वो मोदी सरकार जो 2018 में उस तोते के दोनों परों को नोच दिया उन्होंने एक संशोधन करके कि अब सीबीआई स्वयं से किसी भी जांच को वो स्वयं नहीं कर सकती है, जबकि स्वयं सरकार के द्वारा उसे कहा ना जाए या माननीय न्यायालय के द्वारा उसे निर्देशित ना किया जाए। तो ये शक्तियों को छीनने वाली भारतीय जनता पार्टी की गैर संवैधानिक सरकार ने सीबीआई को तोते को दोनों पर भी काट रखे हैं, इसलिए इस देश के अंदर अब लोकतंत्र को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है। जी, शुक्रिया कपीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलराम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।